बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर विश्व हिंदू संगठन के लोग सड़क पर उतर आए हैं। जी हां, पौड़ी में हिंदू संगठन की बड़ी रैली हुई। जिलाधिकारी दफ्तर के बाहर सभा के दौरान आरएसएस, बीजेपी के साथ कई हिंदूवादी संगठन जुड़े और बांग्लादेश में हो रहे अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद करने का आह्वान किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने यह कहा कि आज बांग्लादेशी घुसपैठ के जरिए न सिर्फ देश की बल्कि उत्तराखंड और हिमाचल जैसे देवभूमि की डेमोग्राफी बदलने में लगे हुए हैं। ऐसे में हिंदुओं को एकजुट होकर संदेश देना होगा। वहीं सभा के पूर्व सिविल लाइन से जिलाधिकारी ऑफिस तक बड़ी रैली निकाली गई और जिसके बाद जिलाधिकारी के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भी भेजा गया और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार पर कार्यवाही की यहाँ पर मांग की गई है। पौड़ी से मुकेश बच्छेती की खास रिपोर्ट। देखिए, जो हमारी रैली निकालने का मेन मकसद है, एक तो भारत के हिंदू भी जागृत होंगे, पहली बात। नंबर दो, बांग्लादेश में उन हिंदुओं का, उन अल्पसंख्यकों का क्या कसूर है जिनको मारा जा रहा, जिनको काटा जा रहा, बेटियों के साथ बलात्कार किया जा रहा, गैंग रेप किया जा रहा, क्या वजह है उन, मतलब यही वजह है कि भारत ने बांग्लादेश को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, भारत ने सालों तक बांग्लादेश को पाला, आज भी भारत उसको पाल रहा है। तो हम लोग इस रैली को निकालने का मतलब है कि एक तो सरकार बांग्लादेश में तमाम सुविधाएं बंद करे और बांग्लादेश में अपनी सेना भेजे और हिंदुओं की रक्षा करने के लिए आगे बढ़े। ये जो लगातार हमारा जो विश्व हिंदू परिषद भजन दल का शौर्य दिवस का कार्यक्रम था और इसी शौर्य दिवस के कार्यक्रम के तहत जो बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई बहनों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, उनको रोज पीटा जा रहा है, उनकी दुकान लूटा जा रहा है, तो हम माननीय भारत सरकार से ये निवेदन करते हैं उनको अत्याचारों को देखते हुए बांग्लादेश में तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि वहाँ पे जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है वो, ये हमारा ये समर्थन है कि भारतवर्ष के जितने हिंदू हैं वो बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ खड़े हैं और भारत सरकार से मैं ये निवेदन करता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये निवेदन करता हूँ कि तत्काल बांग्लादेश पे कार्रवाई की जाए